मोदी जी किसानों का मसला भी हल कर लेंगे। मोदी जी ने 8 नेवी के अफसरों को फांसी के फंदे से लिया। ये 56 इंच का सीना ही कर सकता है। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है चक्कर में, साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। बाबा आपको एक बस होगा दे रहे, मोदी ग्रेट पर हुए लेट है, कोई बात नहीं। साल पहले होता था, देश का निहार वही होता है। अभी भी भारत को श्रीलंका बांग्लादेश ने पाकिस्तान बनने से बचा लिया, नहीं तो अगर कांग्रेस का राज होता कटोरा हाथ में आ जाता। ये मोदी है, मोदी अच्छे से कटोरा हाथ में देके जाएंगे। हमारे पूरे अयोध्या के अंदर, मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरे अयोध्या में कभी हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। अच्छा। मेरे अयोध्या के अंदर मुश्किल से मुश्किल 30 किलोमीटर दूर रुदौली कस्बा है। रुदौली में सारे मुसलमान एक से एक मजबूत। ये कनॉट प्लेस में आप खड़े हो, इससे बड़े पैसे वाले हैं जो एक एक रात के अंदर पूरे 3-3 ट्रक काजू बादाम निकाल दें, वो कभी नहीं लड़े आज तक, कभी नहीं लड़े। तो हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सब एकता है और सब राम के हिसाब से हैं। आप बताओ किसको दिक्कत है? दिक्कत है, बताओ सर कैसे। जय जय श्री राम। मैं कुछ डालता हूँ, दिक्कत किसको है आप बताओ। अब क्या लगता है, मोदी जी भी पूजे जाएंगे, भगवान का दर्जा दे रहे हैं? नहीं नहीं, मोदी जी नहीं, नहीं मोदी को हम भगवान का दर्जा नहीं दिए, लेकिन मोदी को लाने वाले का दर्जा। देखो जो आगमन किया, 70 साल से कांग्रेस थी, क्यों नहीं लाई बताओ ना, क्यों नहीं लाई? जो लाया उसको सर्वे सर्वा है। क्या नाम होता है? डॉली। कहाँ की रहने वाली? दिल्ली की। क्या लगता है, 24 का चुनाव एकदम नजदीक में है, राहुल गांधी कांग्रेस पूरा विपक्ष मिलके कह रहा है कि इस बार पलटी मारेंगे, सरकार बदली जाएगी? कोई पलटी नहीं मारेगी। कौन आएगा? योगी आना चाहिए। योगी आना चाहिए। आएगा, आएगा जी। अभी तो मोदी है, योगी से अगली बार। अभी तो फिर योगी ही मोदी क्यों आना चाहिए भाई? कांग्रेस राहुल गांधी इतना मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करने तो उन्होंने जी, वो मेहनत ही करते रहेंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है? हाँ जी बन लिए, वो तो वो नहीं बन सकते किसी कीमत पे भी। एक ही नारा एक ही नाम बोलता है सिर्फ मोदी का ही काम। देखो राम के नाम पर मोदी जी ग्रेट है पर हुए लेट है। अगर थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री थे देश कहीं का कहीं पहुंच गया होता। अच्छा, ग्रेट है पर लेट हुए हैं। अगर थोड़ा राहुल गांधी करें, महंगाई बेरोजगारी इतना ज्यादा है, आप कह रहे हो कि ग्रेट है? हिंदुस्तान है रोता ही रहेगा। अच्छा, 10 लाख कमा लो तब भी कम है, 1 लाख कमा लो तब भी, 1 करोड़ का तब भी कम है। रोने अगर आया था हिंदुस्तानियों की तो। अच्छा, सीधी बात, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, युवा परेशान है, मंदिर मस्जिद में उलझा रखे, आरोप लगाता है विपक्ष। ये तो सदा से चलाया, ये चलता रहेगा। तो धर्म से जोड़कर राजनीति कर रहे हैं भाई, ये तो काम है इनका। अच्छा, वो तो हमारे पास जाता है बेवकूफ आदमी, क्या जरूरत है उलझने की? पूरा धंधा देखो सही है, क्यों उलझ रहे हो? उनका काम है राजनीति उनकी तो। अच्छा, अब राम मंदिर खत्म हो गया, अब जाएंगे काशी विश्वनाथ, फिर जाएंगे मथुरा। अच्छा, हर 5 साल में ये ट्रेड चलता रहेगा, पब्लिक उलझी रहेगी, मौज लेती रहेगी। क्यों बाबू जी गलत नहीं कह रहा? मोदी जी मौज लेंगे, नेता नो मौज लेंगे, हम ही उलझते रहेंगे। राम के नाम पर और मोदी जी के काम पर वोट मिलने वाले हैं, दो ही मुद्दे हैं मोदी जी के काम। बॉर्डर पे खड़े हैं आप कह रहे हो, राम का नाम और मोदी जी का काम। अच्छा, दूसरा मुद्दा ही नहीं है लोकसभा में, विपक्षियों के पास तो है नहीं। और विपक्षी तो जैसे टाइम टू टाइम जातियां प्रजातियां लुप्त होती है ना, 24 के बाद तो धीरे धीरे लुप्त होते जाएंगे। 24 का चुनाव भी नजदीक है, लेकिन अंकल जी किसान भी पंजाब से आए, किसान बॉर्डर पे खड़े हैं। किसानों, मोदी जी बहुत ग्रेट हैं, जैसे भाई साहब ने कहा, मोदी जी किसानों का मसला भी हल कर लेंगे। मोदी जी ने 8 नेवी के अफसरों को फांसी के फंदे से लिया। ये 56 इंच का सीना ही कर सकता है। मोदी जी ने जो कुछ किया है किसी ने नहीं किया। मेरे आंखों से आंसू निकलते हैं। मोदी जी भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि लेट आए हैं, काश लेट हुए, काश ये 15-20 साल पहले आ जाते, आज हमारा देश
देश सोने की चिड़िया होता। अच्छा, अब अगर मोदी जी अभी भी रहेंगे तो देश बहुत तरक्की कर रहा है। विपक्ष का काम है बोलना, लेकिन जो हर पढ़ा लिखा बंदा, हर युवा मोदी जी के काम की सराहना करता है। मैंने 4 महीने पहले आपके चैनल पे बोला था कि मोदी जी जैसा वर्ल्ड में कोई लीडर नहीं है। आज भी अपनी बात पे खरा उतर रहा हूँ। मैंने तीसरी आंख खोल के मोदी जी को देख लिया था, कोई नहीं है टक्कर में। ये मैंने ही कहा था, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। ये 4 महीने से हर चैनल पे बोल रहा हूँ। मैं कहता हूँ मोदी जी जैसा कोई नहीं हो। मोदी जी जितनी पाठ पूजा कर रहे हैं, मंदिर मंदिर गुरुद्वारे गुरुद्वारे जा रहे हैं, आज तक कोई प्रधानमंत्री किया? ये अगला जन्म भी अपना सफल कर रहे हैं, अगले जन्म में भी ये प्रधानमंत्री बनेंगे भारत के। ये मेरे दिल की आवाज है बाबा। आपको एक बस होगा दे रहे, मोदी ग्रेट पर हुए लेट है, कोई बात नहीं। साल पहले होता था देश का निहार होता है, वही होता है। सोने की चिड़िया अभी बनने जा रहा है, अभी भी, अभी भी, अभी भी, अभी भी भारत को श्रीलंका बांग्लादेश ने पाकिस्तान बनने से बचा लिया। नहीं तो अगर कांग्रेस का राज होता, कटोरा हाथ में आ जाता। ये मोदी है, मोदी अच्छे से कटोरा हाथ में देके जाएंगे। साडा मोदी बल्ले बल्ले, मोदी 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 है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। हर हर मोदी, घर घर मोदी, विश्व भर में मोदी।